नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आपको थंबनेल देखकर मालूम पड़ गया होगा कि इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बस सिमुलेटेड इंडोनेशिया की न्यू लिवेरी के बारे में, जिसका कि इस गेम में आप लिवेरी को देख सकते हैं। ऐसा ही लिवेरी अपने बस सिमुलेटेड इंडोनेशिया गेम में इसलिए कैसे ऐड कर सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसको लिवेरी से आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे अपने गेम में ऐड करना है, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबाना, ताकि आने वाला हमारा न्यू अपडेट वीडियो आप तुरंत देख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं और बताते हैं कि आप इसे डिलीवरी को कहाँ से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस डिलीवरी का लिंक दिया हुआ है, तो सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के आप सामने ओपन हो जाएगा। तो सामने पहली पृष्ठ पर आपको ये लिवेरी का जो पीएनजी दिख रहा है, वही पीएनजी आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली उस पर क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है। डाउनलोड इमेज पर सिंपली क्लिक कर देंगे और आपका वो पीएनजी डाउनलोड हो जाएगा गैलरी के अंदर। तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको फिर से बस सिमुलेटर इंडोनेशिया ओपन कर लेना है। देख सकते हैं ये पीएनजी डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम ओपन कर लेना और यहाँ पर गैरेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गैरेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सामने आपको लिवेरी का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको ब्रूस लिवेरी पर क्लिक कर देना है और आपको गैलरी ओपन हो जाएगा। और वहाँ पर से जो आपने डाउनलोड किया था लिवेरी, ये वाला लिवेरी यहाँ से अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से वो अप्लाई हो जाएगा, आपके गेम में ऐड हो जाएगा। इस प्रकार आप अपना मनपसंद लिवेरी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस लिवेरी में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे हमने जय श्री राम नाम भी लिखा है, यहाँ पर पीछे कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, जिसका मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ। तो उस वीडियो को आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी उसको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो वो वीडियो देख लीजिए, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन का घंटी दबा देना, ताकि नया आने वाला नया वीडियो आप तुरंत देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।